दोस्तों, परदेसी जाना नहीं गाना तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। ये गाना अपने समय में बहुत मशहूर हुआ था, मगर दोस्तों इस गाने में जिस हीरोइन ने काम किया था वो हीरोइन आपको शायद ही याद होगी। दोस्तों, वैसे गाने तो हम सभी को याद रह जाते हैं, लेकिन गानों में काम करने वाले कलाकारों को हम भूल जाते हैं। परदेसी गाने के साथ इस हीरोइन ने आखिर किस फिल्म में काम किया था और आज वो क्या करती है और कैसी जिंदगी व्यतीत कर रही है, वो पहले से आखिर कितनी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों, अपने पिछले समय में राजा हिंदुस्तानी फिल्म इस गाने की वजह से अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में लीड रोल में काम कर रही थी, उनका भी नया लुक दर्शकों के सामने आया था। मगर दोस्तों, इस फिल्म का परदेसी परदेसी जाना नहीं गाना इतना फेमस हुआ कि वो लोगों के दिलों को छू गया। इस गाने को अपने डांस के जलवों के कारण अमर बनाने वाली बंजारन आज और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और आज एक नए मॉडर्न जमाने के साथ पूरी तरह बदल चुकी है। वैसे तो उन्होंने इस गाने के साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी इसी गाने से मिली थी। वहीं और फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। परदेसी गाने की इस हीरोइन का असली जिंदगी में नाम प्रतिभा सेना है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे महबूब फिल्म में काम करके की थी, लेकिन फिर इन्होंने सन 2000 के बाद फिल्मी करियर से दूरी बना ली। लेकिन आज वो काफी खूबसूरत और स्टाइलिश हो चुकी हैं। अब प्रतिभा को किसी न किसी इवेंट में अपनी माँ माला सिन्हा के साथ देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संगीतकार नदीम के साथ इनका अफेयर भी काफी चर्चा में रहा। नदीम के साथ प्रतिभा का रिश्ता उनकी माँ माला सिन्हा को मंजूर नहीं था, क्योंकि नदीम पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता जल्दी टूट गया। प्रतिभा फिलहाल अपनी माँ माला सिन्हा के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित घर में रहती है, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रतिभा ने शादी नहीं की है और वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।